नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर जमे किसान अब आर पार के मूड में आ गए हैं। किसानों ने साफ कर दिया है कि ना उनका आंदोलन रुकेगा और ना झुकेगा। अब किसानों ने सरकार को नई चेतावनी भी दे दी है। उधर सरकार ये कह रही है कि आइए चर्चा करते हैं, लेकिन किसान बात करना भी अब नहीं चाहते हैं। सबसे पहले आपको किसान क्रांति की 16 तस्वीरें दिखाते हैं। 16 दिन का यह आंदोलन यानी कि 16वां दिन, और ये देखिए ये 16 तस्वीरें आपके सामने। आज किसानों की क्रांति का 16वां दिन है। 16 दिन से किसान बॉर्डर पर डटे हुए हैं। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर सभी दिनों की तस्वीर। 26 नवंबर यानी कि जब किसानों की तरफ से दिल्ली कूच किया गया था, और उसके बाद से लेकर 11 दिसंबर की रात तक की तस्वीर आप देख सकते हैं, यानी कि आज जो रात बीती है उसकी तस्वीर आप देखिए। ये हाल इस वक्त किसान आंदोलन का है, और अब किसान सिर्फ यस और नो पर अड़े हुए हैं। सिर्फ अपनी मांग पर वो चाहते हैं कि सरकार फैसला ले, और बातचीत करने के लिए भी किसान अब तैयार नहीं है। और इन सब के बीच किसान क्रांति को लेकर एक और बड़ी खबर। दिल्ली में किसानों के आंदोलन का आज 16वां दिन है। मांगे नहीं मानने पर रेलवे ट्रैक को बंद करेंगे। किसान संगठन की तरफ से ये बात कही गई है। जल्द तय होगी रेल रोको आंदोलन की तारीख, यानी कि अब और भी ज्यादा उग्र होने का प्लान तैयार किया जा रहा है। 12 दिसंबर से दिल्ली की घेराबंदी और तेज करेंगे किसान। दिल्ली के आसपास के शहरों में प्रोटेस्ट तेज होगा, यानी कि अभी तक वो किसान जो कि दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए थे, अब अपने आंदोलन को और ज्यादा विस्तार दे रहे हैं। तमाम वो हाईवे जो कि दिल्ली को कनेक्ट करते हैं, वहां पर आंदोलन को तेज करने की बात सामने आ रही है, और रेल भी रोकने की बात किसानों की तरफ से अब सामने आ गई है। तो एक तरफ सरकार की तरफ से कहा गया है कि आप बातचीत करिए, आप आइए चर्चा करिए हमसे, लेकिन किसानों की तरफ से साफ कहा गया कि अब बातचीत नहीं होगी। कानून को रद्द करने की जो मांग है उस पर सरकार अमल करे। इससे पहले सरकार की तरफ से बुधवार को प्रस्ताव जो दिया गया उसे किसानों की तरफ से सिरे से खारिज किया गया, और अब किसान अपनी मांग पर डटे हुए और यह साफ कर दिया है कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो अब आंदोलन और तेज होने वाला है। और इस बीच एक और बड़ी खबर। प्रदर्शन कर रहे किसानों से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बड़ी अपील। खुले दिमाग से किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। ये बात नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से कही गई है। सरकार के दिए प्रस्तावों पर किसान विचार करें। कृषि मंत्री ने यह भी अपील की किसी भी समय किसान चर्चा के लिए आए। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से बात कही है। आपत्ति वाले प्रावधानों पर भी बातचीत के लिए हम तैयार हैं। तो सरकार की तरफ से हर वो संभव कोशिश की जा रही है ताकि ये गतिरोध किसी तरह से खत्म हो पाए। सरकार ने अपना मतलब प्रकट कर दिया है, और मैं आपके माध्यम से किसानों को आग्रह करना चाहता हूं कि अगर उस पर भी कोई चर्चा करने की आवश्यकता है तो वो जरूर आए, और हम लोग खुले मन से विचार करने के लिए तैयार हैं, और किसी भी समय उनका प्रस्ताव आएगा तो हम जरूर चर्चा करेंगे। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।